नमो महाबलिमो प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधाकांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भगवानुसुते देवी प्रणमामि हरि ओं वृंदावे तुलसी देवै प्रिया वै श्रीवत्स च कृष्णभक्ति प्रति देवी सत्वत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आज क्या पढ़े शिष्य चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद आठवां परिच्छेद है। किताब है तुम्हारे पास? नहीं। आठवां परिच्छेद अष्टम परिच्छेद रायण मंदिर संवाद कुछ कीर्तन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते करते विशाखापट्टनम में पहुँचे और वहाँ पर रायमंद से मिले गोदावरी के तट पर। कौन सा नदी? गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर में महाप्रभु जब पहुँचे रामानंद के रायानंद के साथ मिलन हुई। उसकी कथा प्रसंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। एक साधक धीरे धीरे कैसे विधि निषेध के वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते हुए और राग मार्ग में कैसे प्रवेश करें, ब्रज राग मार्ग में प्रवेश करें, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जिस कारण के लिए यानी कृष्ण राधा की भाव और अंग कांति लेकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, वह समस्त जो भाव रायरमंद से ही उन्होंने प्राप्ति किया, जिसके कथा प्रसंग आगे जाकर के हम वर्णन करेंगे। श्राधया अपन महिमा कृदिशो बानवा सद्यो जन मधुर्मा कृदिशो बवरी मदीय सुखंच तद्भाव समर्व सिंधु। कृष्ण लीला में जो तीन वस्तु उन्होंने आस्वादन कर नहीं सके, तीन वस्तु क्या क्या है?
हज की प्रणय महिमा क्या है, राधाया प्रणय महिमा विदिशो बाणी, ये पहले कृष्ण यही विचार कर रहे हैं। कब विचार कर रहे हैं? जब कृष्ण लीला समाप्त करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधारे, एक दिन कृष्ण स्वयं ही अपने मन ही मन विचार करने लगे। ये ब्रज में मैंने ब्रजवासी के साथ रह करके सभी प्रकार के जो रस आस्वादन तक किया है। कितने प्रकार रस होता है? 5 मुख रस और 7 गौण रस है, ये तो मैंने आस्वादन किया। किंतु शांत दस सख बात्सल और माधुर्य, ये तीनों में विशेष करके श्रृंगार रस जो माधुर्य रस के अंतर्गत जो श्रृंगार रस जो है, उस श्रृंगार रस में भी सकिया और परकिया राधा आदि गोपी में जो परकिया रस की माधुर्य है, ये तो अतीव अत्यंत सुंदर आस्वादनीय है। किंतु जब मैं अपने आप को विचार करता हूँ जी राधा जी के हृदय में जो ऐसे शुद्ध माधुर्य जो परकिया रस है, वो पारकिया रस की ऐसी सौंदर्य माधुर्य सदा सर्वदा राधा 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 रानी मेरे भाव में विहल होकर के रहती है। विहल समझते हो क्या है? मेरे विरह में जैसे तड़पती रहती है, जहाँ जहाँ पर सामान्य रूप में मेरा साधिश कुछ दिखाई पड़ती है, राधा जी उसमें उन्मादिनी हो जाती है। उन्मादिनी समझती कि नहीं? पागल पागलपन हो जाती है। काले बादल के देख करके राधा रानी कृष्ण समझ कर उसके आलिंगन करते, काले तमाल वृक्ष के देख करके आलिंगन कर, आमा भ्रमे तमाल रे करे आलिंगन, जहां जहां पर कृष्ण के वर्ण आदि की साजिश होता है और श्रीमती राधिका ऐसे पागल हो जाती है, ये पागलपन मेरे हृदय में नहीं है। कादल कृष्ण कह रहे हैं मैं तो काले बादल के मैंने भी तो देखा, मैं रात अथवा कोई वस्तु के देखा, सफेद वस्तु के देखा, कोई वस्तु के देखा, मैं ऐसे पागल नहीं हूं। किंतु राधा जी क्या करती है? उन्मादी हो जाए, इसलिए कहते हैं आमा भ्रमे तमाल रे करे आलिंगन। समझ में आ रही है? ये कौन सा प्रेम है मेरे प्रति, जो ऐसे कौन सा एक भाव माधुर्य जो राधा जी के हृदय में है, जो राधा जी ऐसे सदा सर्वदा दिव्य उन्मादिनी होकर के रहते हैं। इसलिए करें वही वह वस्तु है क्या चीज, उसको मुझे आस्वादन करना। राधा प्रणय महिमा दिशो बाणी, उन्मादिनी हो जाना ये कोई साधन? संसार के लोग धन संपत्ति प्राप्ति करने में अथवा लाभ पूजा प्राप्ति आदि में उन्माद हो जाते हैं। उन्माद किसको कहते हैं? पागल तो शब्द है, पागल क्या होता है? पा नहीं अरे गोल हो जाता है। पागल क्या है? पानी क्या हो जाता है?
गूगल हो जाते पागल कर दे पागल गल, चलते रहते हैं मैड ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। इस जगत में लोग उन्माद होते हैं, उन्माद दशा में जो कुछ इच्छा ही होता है बोलते रहते हैं, जो कुछ इच्छा ही करते रहते हैं, किंतु अपराजित जो पागल जो है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, उसमें कैसे कैसे सुंदर भाव माधुर्य आदि प्रकाशित है, जिससे चित्र जल्प उद्घरणा उद्घरणा चित्र जल्प आदि कार्य है। ये समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विवेचन करके उज्जवल में ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कितने सुंदर ही भाव है कृष्ण इसलिए सोच रहे हैं, मेरा तो ऐसे तो भाव नहीं होता क्यों, अच्छा कृष्ण क्यों नहीं होता ना, कृष्ण भी जानते हैं मैं विषय विग्रह हूँ। कृष्ण कौन सा विग्रह है? विषय विग्रह। और श्रीमती राधिका कौन सा? आश्रय जाति। सब आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसे बोले में आनंद होता है, कोई जानते हैं तो बोले में आनंद होता है, आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे। तो क्या हो गया, कृष्ण विषय विग्रह और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। सब आश्रय विग्रह की हृदय में जो प्रेम माधुर्य जो असाधारण जो है, कृष्ण वही विचार कर उस मुझे आस्वादन करना है। इसलिए पहले सिद्धार्थ प्रणय महिमा सत्यो जी ना मधुर माँ, कृष्ण ये भी सोच रहे हैं मेरे मधुर माँ है कैसे, सुंदर जो माधुर्य है जो मैं स्वयं अपने के भी अनुभव कर नहीं पा, ये स्वयं राधा जी मेरे मधुर माँ के आस्वादन करके रूप माधुर्य के जो आस्वादन करके कैसे रहते हैं। भगवान ने हमें कितने आँख दिया, दो आँख दिया, उस आँख के द्वारा हम दूसरे को देख सकते हैं, अपने को देख नहीं पाते, ऐसे देख पाते हो आप बताओ, अपने मुख के अपने आप देख नहीं पाओ, अपने मुख के देखने के लिए क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी कर, ये मेरे सौंदर्य माधुर्य के मैं अपने भी आसन करना चाहता हूँ, जो मेरे सौंदर्य माधुर्य राधा जी सदा सर्वदा दर्शन करके आस्वादन कर। इसलिए क्या चाहिए, मुझे एक दर्पण चाहिए, वो दर्पण कौन सा है, राधा जी की प्रेम रूपी दर्शन, राधा जी की प्रेम रूपी दर्शन में, ये प्रेम रूपी दर्पण में तब मैं अपने आपको आस्वादन कर सकता हूँ। अपने को देखने के लिए क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। ठीक उसी प्रकार राधा प्रेम दर्पण, चेतन चैतन्य वर्णन है राधा जी के प्रेम दर्पण है, इसमें मुझे देखना है। मेरा इतने सुंदर रूप कृष्ण भी देखा, अपने रूप को कहाँ पर देखा, अपने परछाई को देखा, कहाँ देखा है, खंभे में, मणिमय पस्तर में, मणिमय जो है कांबा में देखा है, इतने सुंदर। देखिए स्वयं कृष्ण भी आश्चर्य, लोग जगते हैं मेरे स्वरूप के अति सुंदर जी है। और तीसरी क्या बता रहे हैं, ये मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि के दर्शन करके राधा के हृदय में जो आनंद उत्सव आनंद उसके भी मुझे आस्वादन करना है। इसलिए ये तीन मुख्य कारण दिखाया गया जिससे स्वयं कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि गौर लीला नित्य ही है, ये कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं ये पहली बार है, भगवत लीला आदि जो है ये नित्य है, अनंत काल से लीला आदि चल रहे हैं,
अद्यावधि से लीला करे गौर राय को भाग्यवान देखिबारे गौर लीला कृष्ण लीला अनंत काल से चलती जा किसी न किसी ब्रह्मांड में ये लीला हो रही है अभी तक हो रही है। जो उन्नत कोटि के भक्त और वो लीलाओं के दर्शन आदि है गौर लीला और कृष्ण एक ही साथ में चल रही है। किसी न किसी ब्रह्मांड में इसलिए कह रहे अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवान देखी गई भगवान के ऐसे उन्नत साधक जो सबको दिखाई नहीं पड़ेगा है आपको दिखाई पड़ रहे कि नहीं नहीं दिखाई पड़ है जो बहुत उन्नत कोटि के जो साधक भजन करते करते विशेष करके नाम भजन करते करते ये सब अनुभूति होगा दर्शन होगा। जैसे भक्तिमान ठाकुर क्या बोल रहे देखते देखते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित चेदानंदमय कितना सुंदर श्लोक कितना सुंदर कीर्तन है देखते देखते मतलब भजन करते करते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नॉर्थ विनती निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव भाव की उन्नत दशा में जब आ जाते हैं ऑलमोस्ट प्रेम दशा में जब साधक पहुंच जाते हैं। पंखा चल रहे पंखा बंद कर दो पंखा उधर चला पंखा चले तो मेरा गला लग जाए पंखा कैसे बंद कर दो हाँ हाँ क्या बोला ऐसे प्रेम की दशा जब उत्पन्न आ जाता है प्राथमिक दशा में तब भगवान कृपा करके ऐसे उत्तम भागवत के जो है जोग माया के द्वारा दर्शन करा दे इस समस्त कथा जो है सुंदर रूप में हमारे क्या बोले नरहरि सरकार उनके एक सुंदर श्लोक में वर्णन किया महाप्रभु की अष्टक में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया ये कैसे अप्रकट गोलोक वृंदावन में लीला चल रही है और साथ ही साथ ये भौम जगत में गौर लीला भी चल रही है नवदीप धाम में दोनों लीला एक साथ में चल रही ये पश्चती सखी कोई एक सखी वहीं पर कहाँ पर अप्रकट गोलोक वृंदावन वो वहीं पर सखियों लिखो आज भूतल में हमारे प्राणकांत गोविंद कैसे सन्यास ले करके और राधा जी की विरह में कैसे तड़प रहे राधा जी की विरह भाव में स्वयं कृष्ण विरह में कैसे तड़प रहे कितना सुंदर भाव दर्शन करें वो लोग दर्शन करें कौन गोलोक वृंदावन में अप्रकट गोलोक वृंदावन में वो समस्त एक महाप्रभु की लीला दर्शन करें ठीक है पार्श्वती सखी देखो तो इसका मतलब क्या है ये लीला दोनों लीला एक ही साथ अरे पश्रुति सखी हमारे प्राणकांत गोविंद किस प्रकार राधा के भाव और कांति लेकर के
और कैसे रो रहे, और सन्नास भी ले लिए, कृष्ण क्या ले लिए, सन्नास ले लिए। इसको सुन करके वह समस्त गोपियां कहने लगी ये कैसे संभव है। आसन सन्नास को वही ले सकते हैं जो समस्त प्रकार विषय से मुक्त हो चुके, कोई विषय के प्रति इसके किसी प्रकार आसक्ति है। बोले नहीं नहीं देखो अरुण वसन धारण किए, ऐसे सुंदर अरुण वसन, अरुण वसन समझते हो सफरन बाब, जैसे अरुण वसन सुंदर है और सन्नास लेकर के कैसे हाथ उठा करके भाव में विवाहित हो करके कैसे रो रहे हैं, तो उसको देख करके फिर दूसरी सखी कह रही है अरे तू पगली हो, ये सब उनकी सब छल कपट है, अंगार शतधोते न मलिनता न मुंचते, कैला हो ना कैला समझते कोल, कैला को जितने भी बार आप गंगा जल में धोते रहे हैं, कैला क्या रहता है काले ही रहेगा, अच्छा काले रहेगा नहीं कालापन थोड़ी चले जाए है, अच्छा बात सही है कि नहीं, अच्छा अच्छा बताओ कैला को यदि कालेपन दूर करने के लिए क्या चाहिए, उसके आग में पड़ दो, आग करी परी वे परिवेश, तुलसीदास जी रामचरितमानस में करें बोले कैला के क्या करो आग में तपाओ है, लोगों को कालापन दिखाई नहीं पड़ेगा, वो लाल लाल दिखाई पड़ेगा, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं आग करी परिवेश हाँ जिस कथा बोल रहे तो कोई सखी कह रही हूँ मैं पर ये कृष्ण जो सन्नास लिया जो अरुण वसन पहना वस्त्र जो पहने कैसे वस्त्र पहना सफरन करो अरुण वस्त्र पहने आसन बोले ये उनको क्या है ये ऊपर से दिखाना है वास्तव नहीं है वो तो वही है अंतर कृष्ण वही गौरव है, इस हमारे जीव गोस्वामी पाद भी टीका में लिख रहे हैं अंतर कृष्ण बहिर्गो, वो अंदर में वही कृष्ण ही है काले है और ऊपर में गौर वर्ण धारण के अरुण वस्त्र आदि धारण के है, तो फिर कोई सखी कहने लगे ऐसे ऐसे यदि कहो हमारे प्राणकांत तो गोविंद सन्नास ले लिया अरुण वस्त्र धारण के, तो उसके लिए कह रहे हैं ये अरुण वस्त्र मिला कहाँ से है, कृष्ण जो अरुण वस्त्र लिया साफ्रन क्लॉथ जो धारण किया ये अरुण वस्त्र उनके मिला कहाँ से है, आप बताओ, तो कोई सखी कह रहे हैं देखो हम लोग जो वृंदावन में जो रास किया रासस्थली उस समय हम लोग की बखस्थल के जो कुमकुम आदि के द्वारा वो कपड़े जो रंजित हो गया था है? और फिर उस वस्त्र के हमने किया कि त्याग दिया छोड़ दिया, और उसी वस्त्र जो पड़ा हुआ था ना उन्होंने किया कि वही धारण कर लिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कितने सुंदर भाव को वर्णन कर कितने सुंदर वर्णन भाव हो रहे हैं, और रासस्थल में हम लोग जो कपड़े को फेंक दिया क्योंकि वो कपड़े क्या हो गया था अर्थात कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगी है? और फिर रोते रोते ये गोपी गीत हुई जिस कथा हम लोग श्रवण करते हैं
जय तिथि अधिकम जन्मना ब्रज है। और इसके बाद कृष्ण रास स्थल में गोपी समाज में प्रकट हुए है, ये सब कथा भागवत जी वर्णन है। तो उसी कथा को गोपियां कोई गोपी कह रही, ये सब कथा कहाँ चल रही है? अप्रकट गोलोक वृंदावन, एक सखी दूसरे सखी के बता रही कह रही, देखो ये जी कृष्ण भूताल में पृथ्वी लोक में ये अभी ये गौर लीला चल रही है, देख रहे है, भूल मत जाना, दोनों लीला एक साथ में चल रही। हम लोग जो कपड़े पे जो हम छोड़ दिया था रसस थैली में है, कुमकुम रंजित जो वस्त्र जो है, उसी वस्त्र के उन्होंने क्या किया लिया, धारण कर लिया। अरे कपड़े धारण करने से थोड़ी हो जाता है, कपड़े पहनने से कोई थोड़ी सन्नासी बन जाता है। रावण तो कपड़ा बन लिया था, कौन सा कपड़ा पहन लिया, साधु का सन्नासी की धारण कर है? कपड़े से थोड़ी होता है, है? मन न रंगाए रोगी जोगी, रंगायो कपड़ा वस्त्र जो मन के यदि नहीं रंगे तो कपड़े पहनने से क्या होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार वो गोपियां जो है अपने आपस में ये मानो हंस परिहास कर रही है। कितना सुंदर ये भाव कर दिया है, देख है। और कृष्ण जो अभी जो ऊपर से तप्त कांचन गौरांग रूप धारण किए, इस राधा की अंग कांति को लिए। और दूसरी क्या, ये भाव जो दिखा रहे हैं, ये तो भाव राधा जी की है, है? तो इसी प्रकार भी ये समस्त वर्णन होते जा रहे। मैं इसलिए सब इस लीला को इसलिए प्रकट किया, ये कृष्ण लीला और गौर लीला एक साथ चल रहे, गौर धाम और कृष्ण धाम एक ही साथ में चलते हैं। इसलिए कहते हैं आज तक अभी तो किसी न किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला भी हो रही चल रही है। अभी हम इस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, अभी यह दिखाई नहीं पड़ रहे, किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहा है। उसी प्रकार गौर लीला भी चल रही है। इसलिए कहते हैं अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी वाले, सबको दिखाई नहीं पड़े, चलते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कहते ये तीन जो कारण बताया, राधा जी की प्रणय महिमा, दूसरी जो है मेरी सुंदर जो माधुरी माँ क्या है जो सदा को राधा जी आस्वादन करती है, तीसरी मेरी सुंदर जो माधुरी माँ की राधा जी आस्वादन करके उनके हृदय में जो अनुभव होता है उसको मुझे आस्वादन करना है। तीन कारण से जो है स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में तो प्रकट हुए, किंतु फिर दिखा रहे कि भाई जब तक गुरुकरण नहीं हो, गुरु से पास से तो सीखना पड़ेगा ना, है? हारमोनियम सीखो, मृदंग बजाना बजाना सीखो, कोई भी विद्या सीखो, विद्या किससे सीखना पड़ता है? गुरु से। गुरु क्या करते हैं, शिष्य के क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, है? देते कि नहीं देते? उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बात कितने इंस्ट्रक्शन दिया, 11 के आपको पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, याद है कौन कौन के याद है बताओ, 11 याद है तुम्हारे, डू यू नो, है? अरे कृष्ण चैतन्य, है? नाम तो सुंदर है कृष्ण चैतन्य, बढ़िया नाम। हाँ, उपदेशामृत के है, बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिहा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विशते धीर सरमान पीमान पृथ्वी सशिष्ट है। रूप गोस्वामी उपदेश दिया कि नहीं दिया, है? 11 श्लोक के द्वारा कितने सुंदर भाव के प्रकट, शुरू किया बाचवेग से लेकर के और समाप्त कहाँ किया,
है, प्रेम की पराकाष्ठा राधा, प्रेम की पराकाष्ठा राधा कुंड में सबको विराजमान करा दे, पहुंचा दे। ये बौद्ध सामर्थ्य कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको सभीयों को क्या करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए और इसको पालन भी करना चाहिए। तब तो हम राधा कुंड में पहुंचेंगे। तो मेरे कहने की यह तात्पर्य है, कृष्ण तो सोच रहे मैं राधा के भाव और कांति तो ले लिया है, किंतु उसके अनुशीलन कैसे करें, अनुशीलन समझते हो, प्रैक्टिस कैसे करें। अनुशीलन करने के लिए भी तो गुरु चाहिए, बिना गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई, जो बिरिंची और शंकर के भांति, बिरिंची माने बिरिंची किसका नाम है, काली के नाम है न दुर्गा के नाम है, बोला किसका नाम है बिरिंची, अरे बिरिंच मैंने ब्रह्मा है, क्या बोला ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी और शिव के भांति कई महाज्ञानी भी हो जाए, तत्त्वज्ञ हो जाए, किंतु जब तक सदगुरु आश्रय नहीं हो, बिनु गुरु भवनिधि तरे ना कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। ब्रह्मा अथवा शंकर के भांति, शिव जी के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब तक सदगुरु नहीं हो, गुरु से जब तक हम विद्या के अनुशीलन न करें, तब तक हम उसको अनुभव कर नहीं पाए। ज्ञान हो सकता, ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग वस्तु है, अध्ययन आदि के द्वारा व पूर्वजन के संस्कार आदि के द्वारा हम तो ज्ञान कर सकते हैं। किसी को जो बहुत बुद्धिमान है, क्या बोलते हैं, स्कॉलर, इंटेलिजेंट है, तीक्ष्ण बुद्धि दो, श्रुतिधारी हो सकता है। श्रुतिधारी समझते हो, सुनते ही वो कंठ याद कर ले, श्रुतिधारी का श्लोक याद कर लिया बहुत है, किंतु इस विज्ञान अनुभव कैसे होगा ना, गुरु कृपा से ही अनुभव होता है। जब तक हम गुरु कृपा प्राप्त नहीं करें, तब तक वो अनुभव नहीं होता। ज्ञान तो हो जाए, ज्ञान हो जाए अपने प्रयास करने पर, यू कैन एक्वायर द नॉलेज। विज्ञान कैसे होगा, ये गुरु कृपा से। इसलिए शास्त्र में गुरुकरण की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया, इसलिए कहते हैं बिनु गुरु भवन की तरह ना कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। इसलिए कृष्ण गुरु को खोजने लगे, कृष्ण को भी गुरु चाहिए। अभी गुरु कहाँ मिले, किसके गुरु ग्रहण करे, आज वहीं पर सब गुरु है कि नहीं है, ललिता विशाखा अष्ट सखियां तो है सब है, जो आजादा जी के अगल बगल में रहने वाले हैं। और कृष्ण ने किसको किसको गुरु ग्रहण करने के लिए सोचा बताओ है? अरे राधा जी तो भाग मांगते दे दिया, राधा जी गुरु कर दिया, अरे विशाखा देवी को है? किसको गुरु ग्रहण के लिए, विशाखा देवी, विशाखा देवी आज जो उधुना महाप्रभु की लीला में राय रवंदर के रूप में प्रकट हुए, समझ गए, धीरे धीरे समझो अच्छी तरह से है। मैंने कहा वही सब गुरु है,
गुरु के तो लाइन लगा हुआ है, है? गुरुवर्ग सब, किंतु किसको हम मुझे गुरु करना है? कृष्ण तो एक कार्य है, तो कृष्ण ने किसको चुना गुरु के रूप में? विशाखा देवी। अच्छा, विशाखा देवी की क्यों? मैं भी और प्रश्न होगा, ललिता देवी है इधर, और ललिता, विशाखा है, और कौन कौन? बस अष्टसखी के नाम बताओ, तुम भी तो पहले हो बताओ। अरे चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंगभद्रा, चंपकलता बोल दिया, आठ हो गए ना, और तुम्हारे नाम तो है ही नहीं, किंतु आप हो जाते नौ हो जाते ना फिर। अच्छा तुम्हारे नाम ले लेंगे बाद में, चलो। कितने सखियां होगी? अष्ट सखियां राधा जी की, जो अत्यंत प्राणपृष्ठ सखियां, प्राणपृष्ठ सखिया अष्ट सखियां में से। तो कृष्ण ने किसके चुना गुरु के रूप में? विशाखा देवी। हैं विशाखा के क्यों? ना विशाखा और राधा जी में भावों की जो है साजिश है। आज सिमिलरिटी है भाव साथ। राधा जी के जन्म विशाखा के जन्म एक ही समय पर हुआ, समय पर हुआ है। राधा जी के जो भाव और विशाखी के भाव एक ही होने के है। आज इसलिए कभी कभी राधा जी दूसरी सखियों के अपने भाव नहीं कह करके इसके बाद प्रकाश करती थी, विशाखा देख के ऐसे बन है। आज ये अप्रकृत जगत की कथा बता रहा हूँ, बहुत सुंदर ही सुंदर भाव माधुर्य विशाखा नक्षत्र में विशाखी की जन्म है। इसलिए वही विशाखा देवी के उन्होंने गुरु रूप में चुना। कौन? कृष्ण। अभी महापुरुष के रूप में है ना, इसलिए वही विशाखा देवी अभी राय रमन के रूप में है। यदि कोई और सखियां तो थी, ललिता कम नहीं, ललिता तो प्रधान है, समस्त सखियों में ललिता देवी प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है, पर ललिता देवी की क्यों नहीं चुना? रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता और भी तो सखियां, तुंग भी है, ये समस्त सखियां बोले। ललिता देवी की स्वभाव कैसे? थोड़ा प्रखरा है, टकटी है, आज बहुत सुंदर सुंदर, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में भी वर्णन किया, बहुत सुंदर इसमें भाव है। ललिता अष्टक पढ़ती कि नहीं? ललिता अष्टक पढ़ा कर ललितांग सुललितांग ललितांग नमामि है, साधक के लिए ये समझ बोल। और यमुनाष्टक भी है, यमुना देवी वही विशाखा देवी ही यमुना के रूप में प्रकट है। इसलिए यमुनाष्टक पाठ करने से विशाखा देवी की भी हो जाती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि गुरुकरण करना है, सीखना है, सारी राधा जी की सारे प्रेम तत्व आदि सीखना है, अनुशीलन करना है। इसलिए उन्होंने किया कि रायण मंदिर के पास में जो कृष्ण लीला में विशाखा देवी ये समस्त बना है, बहुत सुंदर ये समस्त भाव बन।
अभी गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में पधारे है? और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य की भी कृपा की, उनको भी उद्धार किया। इसी कहा जाता है सर्व भट्टाचार्य उद्धार लीला है। आज बहुत सुंदर इस समस्त ये वर्णन किया गया है। सन्यास के पूर्व चैतन्य महाप्रभु पहले किसके उद्धार किया है? क्या बोले? सर्व भट्टाचार्य है। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु पधारे, मातृभक्त शिरोमणि शचिनंदन गौरहरी है, मातृभाग का पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी में पधारे। जा रहे थे वृंदावन है, नित्यानंद प्रभु उनके घुमा फिरा करके जगन्नाथपुरी में ले गए। कितना सुंदर ये भाव भी वर्णन किया गया है। नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा हम समझ है। अद्वैत आचार्य के गृह में भी चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए। समस्त नवद्वीप वासियों के जो है संतना देते हुए, फिर माँ सची माता की वचन पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पधारे है। और इसके पश्चात जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु के हृदय में कृष्ण की लीलाएं उद्दीपन, साक्षात जगन्नाथ देव के देख करके महाप्रभु कहने लगे, विग्रह नगत में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। कितना सुंदर भाव को व्यक्त होता है। संग चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विभावित हो गए, अपन आके राधा भावे है रहे अनुक्षण चैतन्य चैतन्य प्रणन हो अपने को। और कृष्ण के क्या, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ एक ब्रजेंद्र नंदन सर उसके आलिंगन करने के दौड़ पड़े है। राधा जी है ना, संग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने क्या सोच रहे हैं, मैं राधा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद अपने प्राण काम तो है कृष्ण के साथ मैं मिल रही ये भावना है। दौड़ने लगी जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए। और उस समय जगन्नाथ जी के जो सेवक जो है महाप्रभु के रोक दिया है। और बस महाप्रभु में पर मूर्छित होकर गिरे। और इतने समय ठीक उसी समय योग माया की इच्छा से सर्व भट्टाचार्य जो नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आ, और ऐसे नवीन सन्यासी को देख करके वो भी मुग्ध हो गए। इतने सुंदर अरुण वर्षण और उनके शरीर से, महाप्रभु के शरीर से दिव्य अंग कांति है, आजानो लंबित बाहु सुदीर्घकार सुदीर्घ काया, काया समझते हो शरीर है। और महाप्रभु के सारे शरीर से अशसात्विक विकार भी हो रहा है, रोमांच कंपाशु वैवर्ण आदि साधारण मनुष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। एक दो किसी में हो जाए तो बहुत है, होता ही नहीं है। ऐसा ना जिसको कहा जाए धुमाए जुलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त। और महाप्रभु के हृदय में क्या है, एक ही साथ में है अशातिमिका है, धुमाई जलित दीप्त उद्दीप्त और सिद्धिप्त रूप में इस मत जो है अशाति विकार दिखाई पड़े। आठों जो अशक्ति विकार जो रोमांच कंपाशु वैवर्ण आदि ये वर्णन किया है, याद है ये सब याद करना चाहिए। ये अशाति विकार है क्या है? और एक ही सत्य में महाप्रुकेश सर्वभट्टा जी करके आश्चर्य, ज्ञानी तो थे वो, सर्वभट्टा जी कोई साधारण नहीं है,
महाज्ञानी किंतु अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी के ज्ञान भी भूत होते हैं। आज तक भी जाए अद्वैतवादी संप्रदाय में, मायावादी संप्रदाय, मायावादी संप्रदाय संप्रदाय में ये समस्त ज्ञान दिया जाता है, शास्त्र ज्ञान है, संस्कृत पढ़ाया जाता है, गौड़ी मठ में आकर तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ओड़िया सुनिया लोके ग्यालो छारे खारे और प्रेमोत्सव बन, प्रेम महोत्सव बंचीलो तहारे समझ में आया? बोले लिख पढ़ा, लिखा पढ़ा करके क्या हो, कुछ ना काम नहीं आएगा है? कहते ना पढ़िया सुनिया लोके ग्यालो छारे खारे, लिखा पढ़ा करके फायदा क्या होगा, अहंकार हो जाएगा। इसलिए क्या करके क्या करना चाहिए, बस मूर्ख हो करके रहो, मूर्ख है रोहू मामार निमाई घरे रोहक निमाई है, महाप्रकृति ला दिखा रहे ना। सची माता क्या बोली, अरे एक बेटा तो विश्वरूप लिखा पढ़ा करके क्या हो गया, सन्नास लेकर के चला गया, पढ़िया जी लगे निमाई तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या करो घर में रहो, कहीं विद्वान हो करके फिर कहीं नहीं चले जाओ, सन्नास लेकर सन्नास, सन्नास इसलिए दिया जाता है ये जाओ प्रचार करो। अब प्रचार करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान अध्ययन करना चाहिए कि नहीं है? लोग प्रश्न पूछेंगे, भाई सन्नास क्या, क्यों सन्नास लिया, कम से कम दिन तो पोस्ट प्रश्न पूछेंगे, भले अच्छा बताओ कॉलेजिक में तो सन्नास नहीं है, अश्वमेधम गबालम पौलपुत्रिकम सन्नासम देवर्ण स्वत्पत्ति कलु पंच विवर्जय, कॉलेजिक में पांच माना कर, पांच वस्तु निषेध कर जारी कर दिया, निषेध जारी कर दिया, क्या 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 पांच बताया क्या क्या बताया बताओ, अरे ये श्लोक तुम्हें याद करना चाहिए, सब याद करो, सब प्रचारक बनो अच्छी तरह है, प्रचारक तब तो बनोगे जब श्लोक याद करोगे, श्लोक याद करना पड़ता है ना है, एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी, भजनानंदी की कोई जरूरत नहीं, तो अपने भजन में मस्त रहो है, गोष्ठानंदी होने के लिए, गोष्ठानंदी समझते हो, गोष्ठानंदी के लिए ये जरूरत है, शास्त्र आदि ज्ञान की जरूरत है, श्लोक की जरूरत होता है, क्योंकि भाई लोग के कहोगे तो लोग तो चाहेंगे भाई प्रमाण दो, जहाँ बोलिवे दिवे शास्त्र प्रमाण वचन है, जो कुछ भी बोलोगे ऐसी बोलना नहीं है, है? बड़े बड़े पंडित लोग क्या करते हैं, अपने श्लोक रचना कर देते हैं, जैसे केशव काश्मीर सरस्वती देवी के साक्षात या वरपुत्र कंठ में सरस्वती देवी विराजमान, हजारों श्लोकों की तरह गंगा की स्तुति कर दी है, अपने सरचित धड़ाधक बोलने शुरू कर, सुना कि नहीं केशव काश्मीर का कथा जी है, मेरे इतना ही में कहना है, किंतु जो कुछ भी कहना है कहाँ से बोले, शास्त्र प्रमाण, जहाँ बोलिवे दिवे शास्त्र प्रमाण, महाप्रभु ने कहा है, रायण मंदिर की बोला जो कुछ बोलोगे प्रभु कहे पढ़े श्लोक, श्लोक तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं प्रश्न करता हूँ, किंतु सब कह देना चाहिए शास्त्र प्रमाण, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है, चलो आगे की कथा सुना दो, हाँ क्या बोला, चलो जी है, नहीं नहीं जो बता रहे थे, कलयुग में पांच वस्तु निषेध कहा गया, क्या क्या निषेध, अश्वमेध यज्ञ नहीं, गोमेध यज्ञ
अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ बारण किया है, गाय को काटना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी दान है। गो गो क्या बोले, गो हत्या करते हैं ना, भूख लोग कहते हैं, विशेष करके मुसलमान लोग कहते हैं हम तो गो हत्या करेंगे, गो खाए गाय खाएंगे है, किंतु शास्त्र में स्पष्ट कर दिया, कलिजुग में कलु पंच विवर्जित अश्वमेधम गबालम है, अश्वमेध यज्ञ नहीं है कलिजुग में है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र किया था, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ, किंतु कलिजुग में अश्वमेध यज्ञ निषेध जारी करे, निषेध। गोवध यज्ञ भी वर्णन है गायों की हत्या करना, बोले और युग में तो देखा गया है ब्राह्मण लोग, गोमेध यज्ञ भी दिखा गया, गोमेध यज्ञ गाय, किंतु वो कौन सा गाय के लिए, वृद्ध गाय की जो है बूढ़ी गाय को जो है करके फिर उसको क्या करते हैं, पुनः जीवित कर दे, ऐसे कर सकते तो करो ना, करके दिखाओ है, कर सकते हैं। उस समय की जो है जो अश्वमेध यज्ञ व गोमेध यज्ञ आदि भी कहा गया, उस समय मंत्र दृष्टा ऋषि कैसे थे, यज्ञ करके फिर उनको क्या करते थे, पुनः जीवित, पुनः जीवित कर दे, बूढ़े शरीर चले जाते तो नया शरीर देते, उसे क्या हम कर सकते हैं, तब तो अच्छा ही है, ये जरद ग्रद शरीर की तरह भजन नहीं होगा, इसको छोड़ो फिर नया शरीर मिल जाए, अच्छा ही कि नहीं है। किंतु कलिजुग में मना हो रहा है, निषेध जारी हो रहा है, अश्वमेधम गबालम गबालम पालपुत्री का, पालपुत्री पालपुत्री के शब्द के अर्थ होता है मांस आदि के द्वारा पितृ लोगों के दिए तर्पण जो है इसको माना करते हैं, अश्वमेधम गबालम पालपुत्रम देवोरेण सुदत्पत्ति, देवर के द्वारा, देवर क्या है, हाँ जैसे पति मर गए तो उस समय उनके छोटे भाई के द्वारा ही पुत्र संतान आदि उत्पत्ति करा, किंतु कलिजुग में ये भी निषेध जारी है, और सन्नास, सन्नास भी निषेध है, है? तो आपके पूछेंगे भाई है? तो आपके गुरुदेव ने क्यों सन्नास लिया, लोग पूछेंगे, तो इसके लिए विवरण करते हैं, एक कर्म सन्नास और एक है? कौन सा सन्नास, नरोत्तम सन्नास है। कलिजुग में ये कर्म सन्नास के बारे में निषेध है, कर्म सन्नास करने की जरूरत, कौन सा सन्नास होनी चाहिए ना, नरोत्तम सन्नास, ये समझ बहुत भी। सन्नास के भी चार प्रकार के होते हैं है? कुटी चौक, बहुदक, हंस और परमहंस, बहुत इसमें विचार दिखाया गया है, क्योंकि ये नहीं जाने तो प्रचार कैसे हो, करना पड़ेगा शास्त्र के। आज यदि कोई बोले हमें कोई जरूरत नहीं है, है एक स्थान पर बैठ करके भगवत नाम करते रहे, नाम करते करते सारे तत्व अपने स्फुरित हो जाए, नाम ऐसे रहे हरि नाम करो निष्ठा के साथ, नाम करते करते सारे तत्व अपने आप स्फुरित हो गए, साधु संग नाम संग, साधु संग कर दो तत्व ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं, साधु के पास जाओ साधु तत्व बताएंगे नहीं बताएंगे, कौन सा तत्व बताएंगे, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, सब तत्व बता देंगे, श्लोक याद हो नहीं हो तत्व ज्ञान हो जाए। गुरुदेव कहते हैं बोले गुरुदास बाबूजी हमारे कौन से श्लोक बोलते थे, हरिदास ठाकुर कौन सा कॉलेज में पढ़ा है, किंतु नाम करते 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 वो तब तक ज्ञान उदित हो, जैसे गुरुदास बाबूजी महाराज, बड़े बड़े पंडित लोग नवद्वीप तत्व कथा बोलते थे, भागवत बोलते थे, और गुरुदास बाबूजी वहाँ पर जाकर बोले तुम ये सिद्धांत झूठ बोल रहे हो, भूल बोल रहे, योर मिस्टेक दिखा दे,
बोले शास्त्र में ऐसे लिखा है ऐसे, हर समय श्लोक की जरूरत नहीं होता। श्लोक तो दूसरे के अट्रैक्शन कराने के लिए होता है, बात पंडितों के रिझाने के लिए। दो कतार पंडितों के क्या करना है, रिझाने के लिए है। पंडित 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 श्लोक जानते हैं तो उसके साथ बोल दो पंडित का, हाँ ये तो बहुत बड़ा पंडित है। बात ऐसे ही कि नहीं है, ये पंडित सभा में श्लोक नहीं बोले तो पंडित प्रसन्न नहीं हो है। जैसे जैसे राधाष्टमी जन्माष्टमी में सभा होती है उसमें पंडितों को बुलाया जाता है, पंडित का हाँ ये तो वक्ता अच्छा है। यदि आप श्लोक नहीं बोले सब कुछ बोला, पंडित कहेंगे मजा नहीं आया, कथा तो अच्छा थी किंतु मजा नहीं। भाई पंडितों की काम वही है, अब बात ही सही है। किंतु हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज देखो हैं, उस सभा में चले जाते और सबको कहते हैं नहीं तुम ये भूल रहे हो शास्त्र में, भजन की प्रभाव ऐसे है। और दिखा देते इस श्लोक में ऐसे बोला गया, ऐसे बोला गया है। एक होता है, इसलिए मैंने कहा था एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी है। हाँ क्या बोल रहा था जी, महाप्रभु सन्नास। जैसे गुरुदेव ने वो ग्रंथ लिखा ना, कौन सा ग्रंथ लिखा जो बाबा जी लोग कहते हैं जी लाल कपड़ा लेना नहीं चाहिए, सन्नास लेना नहीं चाहिए है। यहाँ तक भी कुछ बाबा जी संप्रदाय सब नहीं है, कुछ बाबा जी संप्रदाय नॉट ऑल द बाबा जी सम दे कंप्लेन, नो नीड टू कीप द सेक्टर थ्रेड, नो नीड टू फॉलो द फोर प्रिंसिपल्स है। चतुर्मास आदि करने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह बाबा जी संप्रदाय चतुर्मास नहीं करते हैं, बहुत बाबा सब नहीं है, कुछ कुछ जो है कोई अच्छा अच्छा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। ये नहीं जी कहने से सब बाबा जी बेकार है ऐसे कह नहीं सकते हैं, निंदा न हो जाए। इसके ऊपर भी हमें ध्यान विचार रखना चाहिए। कुछ बाबा जी जो अच्छी तरह से पालन करते हैं, विचार को ठीक से ले पालन करते हैं, चलते हैं है? चोटी भी रखते हैं। कुछ बाबा जी तो चोटी भी नहीं रखते, बोले हम तो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर चला गया, वर्णाश्रम धर्म तो रहे तो ब्रज में हम प्रवेश नहीं कर सकते, ये तो वर्णाश्रम धर्म पालन आदि ये वैधि भक्ति का अंदर आ जाता है। वो लोग युक्ति दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं युक्ति दिखाते हैं, और जब तक वैधि भक्ति पालन करते हैं राजभक्ति में प्रवेश नहीं हो है। इसलिए विधि मार्ग के छोड़ दो, वर्णाश्रम धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। किंतु ये विचार गलत है, इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने दिखाया नहीं, विधि मार्ग रतजने साधीनता रत्न दने राग मार्गी करण प्रवेश। विधि मार्ग को आपको क्या करना पड़ेगा, पालन कर करना पड़ेगा, विधि वैधि भक्ति को पालन करना पड़ेगा है। आज क्या करना पड़ेगा, विधि भक्ति को पालन करना, विधि भक्ति को त्याग दे करके हम राग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते है। इसलिए कहते हैं ऊपर में जो है विधि मार्ग के पालन करो, ठीक पालन करना पड़ेगा है। और भजन में धीरे धीरे राधा कृष्ण की राग मार्ग की कथा चिंतन करो। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रतजने साधीनता रत्न दने राग मार्गी करान प्रवेश, इसमें विचार दिखाया गया है। भक्तिवान ठाकुर यही श्लोक बताया, विधि मार्ग रतजने साधीनता रत्न दने राग मार्गी करण प्रवेश। अधिकार अनालभिया सिद्ध देह भावी विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावी, ये भी जानना चाहिए।
है, पढ़ा कि नहीं? कौन सा ग्रंथ पढ़ो? भजन रस ग्रंथ पढ़ो, भक्तिमान ठाकुर सुंदर में लिख दिया है। भजन रहस्य ग्रंथ भक्तिमान ठाकुर के अमूल्य जो ग्रंथ जो है, कौन सा ग्रंथ? भजन रहस्य ग्रंथ, जो बार बार पढ़ो, अनुष्ठान करो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भजन रहस्य ग्रंथ लिया आपने? हिंदी में आते थे, हिंदी इंग्लिश बंगाली सब पढ़ो है। बंगाली तो पढ़ जा, पढ़ लेती हूँ आप लोग, चलो कोई बात नहीं। इसलिए गुरुदेव ने किया कि हिंदी में तो कर दिया है, वजुहात लगाना नहीं, इसको कहीं चलेगा नहीं है। बोले तो बंगला में है, अरे हिंदी में तो गुरुदेव ने कर दिया, और भी कैसे कर दिया? बोले हम तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ नहीं पाते, हम सब इंग्लिश मीडियम में से पढ़ा, कोई कहते ना बोले है। तो फिर उसके लिए भी क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में कर दिया, अभी कौन सा जाओगे बताओ तुम? पहले तो बोले हम, अरे ये तो बंगाली के ग्रंथ है, इसलिए कहते हैं। फिर क्या कर दिया? हिंदी भी कर दिया है। अब फिर क्या तुम वजूहत क्या दिखाओगे? बोले महाराज मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश हिंदी तो ठीक ठीक से नहीं कर नहीं पाते। फिर गुरुदेव ने बोला अच्छा तुम चालाक हो हमसे ज़्यादा है, चलो इंग्लिश में कर देता हूँ तुम्हारे। अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया कि नहीं है? आप तीनों भाषा में तो पढ़ सकते। आज देखो और गुरुदेव की कृपा से भक्त लोग और भी कितने भाषा में ट्रांसक्राइब कर दिया है, रशिया भाषा में है, और पुर्तगीज में है, स्पेनिश में हा? कितने भाषा में कर है? कोई वजूहात नहीं चलेगा, वजूहात समझो दे आर नो यस, कोई बहाना नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें है। पहले तो कह देते पर अरे बंगाल की करता हमारे आता ही नहीं, किंतु गुरुदेव ने कितना करुणामय है, तुमको बांध करके रखना चाहते हैं गुरु, और तुम भग करके जाना चाहते हैं जा नहीं पाओगे। कृष्ण माँ यशोदा के बंधन से जाना नहीं, बंधन क्या बोले, बंधन नहीं चाहते। माँ यशोदा बोली तुमको बांध करके मैं छोड़ूंगी, तो अंत में माँ यशोदा गोपाल को बांध दिए कि नहीं दिए? तो तुम लोग भी ऐसे ही है, बोलते भाई बंगला नहीं पढ़ूंगी, अच्छा बोलते बंगला सीखूंगी नहीं, अच्छा ठीक है हिंदी तो जानते हो है? बोले हिंदी नहीं जानते, बोले हम तो इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ाए, केवल कोई काल के कौन बोल रही थी? बोले हम फिल्म भी देखे देख करके हिंदी सीख लिया, वो बोल रहे थे नेपाली जो है हम लोग साथ में आ रही थी है? अच्छा कोई बात नहीं हिंदी सीख है। अभी गुरुदेव ने ऐसे कर दिया, कैसे? इंग्लिश में कर दिया। अभी तो आप है बहाना ही बना सकते हो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा उसके ग्रंथ को पढ़ो भजन, उसमें लिखा है ना भक्तियों ने क्या लिखा है, दो के बोलो अधिकार नाम लोभिया सिद्ध दियो भावी विपर्जय बुद्धिता शक्ति अभावी। अधिकार प्राप्त नहीं करके जो अपने के सिद्ध देव ने अपने गोपी चिंतन आदि करते रहते हैं है? वो ठीक नहीं, इसलिए अधिकार लेते धीरे धीरे इंद्रिय आदि के जो है वशीभूत करके, अर्थात उपदेश अमृत में शुरू करना पड़ेगा, बाच विगम से लेना पड़ेगा, कंट्रोल द अर्जेस ऑफ सेंसेस है, बाच वेग मनोवेग मनुष्य वेग क्रोध वेग धीरे धीरे यहीं से शुरू करना है। इसलिए मैं ये कथा कर रहा हूँ, कुछ दो श्लोक याद रखो, अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावी विपर्जय बुद्धिता शक्ति अभाव। अधिकार प्राप्ति नहीं करके जो अपने के गोपी समझ गए है उसके पतन हो जाता है, अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। और बस भजन करते करते, नाम भजन करते करते धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति होगा है, आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव में पहुँचा, कम से कम भाव में पहुँचा, तब होता है क्या, मैं गोपी रूप में आपको कुछ अनुभव हो, इसके पहले नहीं है। समझ में आ रही?
मैं पहली कह दो मैं ये गोपी हूँ, है तो पुरुष शरीर और गोपी, और गोपी चिंतन करते करते फिर हृदय में काम भाव जाएगा, है। इसलिए इंद्रिय आदि के जो है रुकना पड़ता है। जीवों के सबसे महामारी रोग कौन सा है बताओ? महामारी रोग, महामारी समझते हो? काम के। इसमें काम के कैसे रुकोगे? है भजन करते करते है। आज साधन, जितने भी साधन करते जाओगे आप, विकृतम ब्रजभुजदंत विष्णु शब्दान्वित अनुसन्नाथ वन्य तत भक्ति परायण भगवती प्रतिरूप काम हिद्रोग आसु अपिनति अचिरे नदी। ये समस्त बंद, हाँ दोष भजन रस में दो श्लोक जरूर आप लोग याद कर। क्या बोला, क्या क्या श्लोक बोला? बंगला श्लोक है, अधिकार नालोबिया सिद्ध देह भावी विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभाव। अधिकार को प्राप्त करना है, अधिकार समझते हो? एलिजिबिलिटी है, अधिकार क्या है? अधिकार को लेना पड़ता है धीरे धीरे धीरे, नहीं तो सहजिया हो जाता है। अधिकार नहीं हुआ और अपने को गोपी समझ करके अष्टकालीन लीला में चले और उसके क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, समझ कहते अधिकार लेना है। ये तो बोल रहा है, अधिकार ना लोभिया शुद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभाव। अधिकार को प्राप्त कर, नहीं तो सहज ऐसी नहीं थी। और दूसरी क्या बताया, क्या बताया है तुम लोग भूल गए? अरे अभी भी तो बताया था, अधिकार नालुविया सिद्ध दिया भावी विपर्जय बुद्धिता। अच्छा क्या बोला, हाँ विधि मार्ग रत जने साधीनता रत्न न जाने राग मार्ग के कराना पड़ा। क्या बोला लिखो, भजन राष्ट्र से पढ़ो सब, मैं बोलते रहूं ये सब आगे क्या बोलेंगे लिखो ठीक से। क्या बोला, विधि मार्ग रत जने साधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराना प्रवेश है। राग मार्ग में प्रवेश की अधिकार ये दे रहे, विधि मार्ग प्रवेश पालन करना पड़ेगा। मैं इसलिए तो कह रहा था, बहुत संप्रदाय के लोग ये वे विधि मार्ग का पालन नहीं करते, करते हैं करते जरूरत नहीं, चतुर्मास पालन करने की जरूरत नहीं है, जो इच्छा है उठा लेते नहीं, चतुर्मास पालन नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके। हम कहते देखो सब जगह में सब नियम को पालन करना संभव नहीं होता है, जैसे विशेष करके हम जब ट्रैवल करते हैं भ्रमण, तो ट्रैवल में हर जगह में इतना कठिन कठिन नियम हम पालन नहीं कर सकते, बात ही सही है, आ समझ। जैसे प्रभुपाद जैसे कि हम ऐसे नहीं कर सकते है, भूमि पर शयन 4 महीने कैसे सो कर सकते आप? दूसरे दिन तो बीमार आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, फिर सियाराम। अच्छा उतना वो तो नहीं कर सकते है? जहां तक हो सके कर, उसमें क्या लिखा है चातुर्मास के पहले कैसे कैसे शयन होना चाहिए? भूमि पर, भूमि पर शयन, कोई ये नहीं मैटर नहीं। अच्छा हम कर नहीं पाएंगे क्यों? शरीर कलिजित के शरीर उतना नहीं,
है, किंतु कुछ कुछ नियम तो हम कर सकते जहां जहां पर हम नियम के संभव है। गोग्रास में भोजन होना चाहिए, गोग्रास समझते हो, एक बार साग और चावल एक साथ में पका करके जमीन पर साफ सुथरा करके जमीन पर डाल के गाय के वहां भी खाना गोग्रास। अच्छा शास्त्र में ऐसे लिखा, तुम हाथ लिखा, हम कर पाएंगे आप बताओ। अच्छा ये तो नहीं कर पाएंगे, किंतु कौन कौन हम वस्तु के कर पाएंगे जो शास्त्र में ये खाना नहीं चाहिए, पहले महीने क्या खाना नहीं चाहिए, साग खाना नहीं चाहिए, श्रावण में साग, भादर में दही और श्रावण भाद्र पर में दूध दूध पीना नहीं चाहिए, और कार्तिक में ससुर तेल वर्जित है। अच्छा ये तो कर सकते, एक महीने साग नहीं खाया तो क्या हुआ है? मैंने जो पहले बताया गोग्रास तो हम कर नहीं सकते, किंतु साग तो खा नहीं खा सकते ना, खा लेते हो जो मिल गया तो मैंने इसलिए करे जहां तक हो सके कर। चार महीने बेगुन बेगुन खाना नहीं चाहिए है कि नहीं? चार महीने क्या खाना नहीं चाहिए? बेगुन खाना नहीं चाहिए। क्या हाँ एक बार लोकी हम खा नहीं सकते, उड़द की दाल दाल हम खा नहीं सकते, परवल मत खा, बाकी रह गया टमाटर कर दे, टमाटर रास्ते में लिखा ही नहीं है, जो लिखा नहीं है उसके लिए झगड़ा कर दिया, सब फेसबुक में लिखना शुरू कर दिए, आजकल बंद कर दिया, जो शास्त्र में बोले गुरुदेव ने कहा है ठीक है मत खाओ, हम उसके लिए उसके चर्चा अधिक होनी नहीं चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है उसके लिए तो चलो है। हाँ सुन, चार महीने विधि के पालन है, आसन आसन जी नहीं हाँ। हाँ क्या बोला, इसलिए ये दो श्लोक याद रखो बंगला के लिए, प्यार विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करण प्रभु, ये सब पढ़ करके आना कल याद करके, भजन रस ग्रंथ है सब पढ़ के दोनों लेकर के आओ, पढ़ करके आओ कल है क्या अधिकार ना लोगिया शुद्ध सिद्ध देव भावी सिद्ध देव, मैं गोपी हूं अधिकार ना लोगिया सिद्ध देव भावी विपर्जय बुद्धि तार शक्ति रभावी, ये पढ़ करके आओ, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो कल बोलना पड़ेगा अर्थ समय ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट देना पड़ेगा नहीं तो सुना और चला गया, यहाँ पर छोड़ करके दे दीजिए, बोले गुरुदेव ये आपका दक्षिणा है, हैं हम तो गरीब है, हमारे पास पैसा पैसा नहीं है, इसलिए आपके आप जो दिया वही आपको मैं वापस दे रहा हूँ है। बोले गुरुदेव आई एम वेरी पुअर पर्सन, आई हैव नो मनी, सो आई कैन नॉट गिव रूपी मनी टू एनीथिंग टू यू, सो आई हैव टू गिव सम डोनेशन, बट व्हाट डोनेशन व्हाट यू गिव मी आई डोंट नो व्हाट, आपने जाने के समय आपके दिया है वस्तु आपके छोड़ कर गंगा जल की तरह गंगा पूजा करके जा रहे, इसका मतलब क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, नहीं थोड़ा याद करो, याद करोगे कि ना हाँ है, ये दोनों श्लोक याद करके आओ काल, बंगला एक बार सरल है तो है, वो भी हिंदी में मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा बंगला में मिलेगा, बंगला में मिलेगा उड़िया भाषा में भी किया नहीं आप, उड़िया कौन कौन बुझी पार चीनी पारी से इसमें
कॉन्शियस में वो तो है। कथा समाप्त कर दी। हाँ मैं जो कथा बोलती बोलती थोड़ा आगे जा, अभी समाप्त करता हूँ, अभी आगे कीर्तन होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये तीन कारण से, यानी कृष्ण तीन कारण से राधा जी की भाव और कांति लेकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो, और गौरांग रूप में प्रकट होकर के सन्नास के लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी सार्वभट्टा जी को उद्धार किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए, जिस दक्षिण देश भ्रमण के मूल उद्देश्य क्या था ना, राय रमन के साथ मिलना, और बाकी सब गौण कारण दिखाए गए। जितने भी कारण दिखाया गया दक्षिण देश भ्रमण की, महाप्रभु की दक्षिण देश भ्रमण की जितने भी कारण दिखाया गया सब गौण है, एक ही मुख्य कारण। मुख्य कारण क्या बताए, रायण से मिलना, जिसके लिए चैतन्य कृष्ण गौरांग रूप में आए। रायनंद की संग बिना वह भाव उदित नहीं होगा। राधा जी की जो प्रेम माधुर्य जी कथा हमने सुनाया कि राधा प्रणय महिमा जी जो, इसलिए विशाखा देवी के साथ मिले, यानी रायनंद के साथ मिले, और मिलकर के जिसमें सब कथा आदि उनके साथ आलोचना हुई वो कथा ही रायरमानंद संवाद के नाम से ही विख्यात है। ये चैतन्य चरितामृत है, ये चैतन्य चरितामृत में रायरमानंद संवाद, ये मानो चैतन्य चरितामृत के हृदय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत के हृदय कौन सा है, रासपंचम है। जितने भी कथा भी है सभीों की प्रणाम करते हुए आचार्य पाद ने टीका में क्या लिखा, ये रास पंचोध्याय ये हृदय सर्व पंच प्राण सुखा जाता है। रास पंचोध्याय पढ़ा इंग्लिश में है ना, हिंदी में भी कुछ ऐसे पंच प्राण, जैसे प्राण बिना शरीर यूजलेस है, ठीक उसी प्रकार भागवत की जो जितने भी कथाएं जो है सब कथा की सार क्या है, राजपंचोध्याय। उसी प्रकार चैतन्य चैतामृत में जितने भी कहा ये रायरमानंद संवाद के विशेष वैशिष्ट दिखा, यद्यपि और भी अध्याय है रथ यात्रा प्रसंग आदि से लेकर के और है, किंतु रायरमानंद संवाद अतीव प्रेजेंट जरूरी गौर प्रेमानी। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन हो गया, अभी कथा प्रारंभ गौर प्रेमान आप करते हो मंडी कौन है गौरव कथा ना, कौन सा करते हो, मम मन मंदिरे कैसे करते हो, गाओ बताओ कैसे बताओ, ये किताब में है वो कौन से ग्रंथ है, अच्छा हाँ वो वाला नहीं मिला इसमें अधिकार और से देखो, अच्छा मैं दिखा दूंगा, ले आओ।